सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। नवरात्र, दशहरा, दिवाली पर योगी सरकार का अफसरों को आदेश है सख्ती, सतर्कता और भरपूर बिजली के लिए कहा गया है। इसके साथ ही मौलवियों के फतवा से नहीं डरती रूबी खान। गणेश मूर्ति के बाद अब घर में दुर्गा प्रतिमा स्थापित की है, पूरा विस्तार से इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वहीं पर युवाओं के लिए सीएम योगी ने क्या कहा है और टैबलेट स्मार्टफोन कब मिलेगा इसके बारे में भी आपको बताएंगे। मदरसा में छात्र छात्रों के लिए भी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। राशन योजना के बारे में पूरा अपडेट है, 6 महीने और राशन मिलेगा, बड़ी जानकारी सामने आई है। वहीं पर योगी आदित्यनाथ के मंदिर से योगी जी की मूर्ति गायब हुई है, पूरा अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। वेदर अपडेट के बारे में भी जानकारी है। वहीं पर आधार कार्ड को लेकर भी एक नई जानकारी है, 138 करोड़ लोगों के लिए जरूरी अपडेट है। किसान निधि में पैसा कब आएगा इसके बारे में बताएंगे, तो एक एक जानकारी बेहद खास होने वाली है। हमारे साथ बने रहिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बता दें आपको, राशन कम देने और अभद्रता पर डीएम ने 2 दुकानदारों का अनुबंध किया है निरस्त। दरअसल कोटेदार राशन कार्ड धारकों से काफी अभद्रता से बात करते हैं और वहीं पर राशन भी कम देते हैं। इसी को लेकर डीएम ने 2 दुकानदारों का अनुबंध निरस्त कर दिया है। जिले में राशन डीलरों द्वारा कार्ड धारकों से अभद्रता व कम राशन वितरित करने को लगातार शिकायतें आ रही है। अब बीबी नगर क्षेत्र के गांव तिबड़ा और जहांगीरबाद के क्षेत्र के गांव जसर के कोटेदारों की शिकायत मिलने पर डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने दोनों दुकानों का अनुबंध निरस्त कर दिया है। आरोप है कि शिकायत के बाद स्पष्टीकरण भी मांगा था लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। वहीं दोस्तों आपको बता दें, राशन कार्ड धारकों की लग गई है लॉटरी, क्योंकि 1 अक्टूबर से आपको मोदी सरकार दे रही है ये खास सुविधा। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त राशन योजना जो है वो 2023 तक के लिए बढ़ाई जाएगी, यानी 6 महीने तक, यानी मार्च 2023 तक आपको फ्री राशन मिलेगा। आपको बता दें इसमें क्या पूरा डिटेल बताया गया है। दरअसल अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको ये आगे भी मिलता रहेगा। दरअसल इस योजना को कोविड काल के दौरान चालू किया गया था, जो अभी यही सितंबर में 30 तारीख को समाप्त होने वाला है। लेकिन इसके बीच में एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें अब 80 करोड़ लोगों को आगे भी, यानी मार्च 2023 तक राशन मिलेगा। इसके लिए आपको बता दें काफी मोटी रकम सरकार को चुकानी होगी, लेकिन इस योजना के तहत मिलने वाला फायदा आपको मिलता रहेगा। हालांकि आपको बता दें अब चावल के साथ साथ गेहूं भी दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें गरीब राशन कार्ड धारकों के परिवारों को 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति दिया जाता है। शुरुआत में योजना के तहत परिवार के लोगों को 1 किलो तेल, चना, ये सब भी चीजें दी जा रही थी, लेकिन फिलहाल इसे बंद किया गया था कोविड के समय ही, और गेहूं चावल सरकार ने देना चालू रखा था। तो ये आगे भी चालू रहेगा, 2023 तक आपको मार्च तक मिलता रहेगा। वही दोस्तों, अगर आपके पास भी आधार कार्ड है तो जरा इस बात को ध्यान समझें, क्योंकि 138 करोड़ लोगों के लिए एक जरूरी अपडेट है। देश में अब नहीं बनेगा आधार कार्ड, जानिए इसकी क्या वजह है। दरअसल आपको बता दें बहुत सी जगहों पर आपकी जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल आपको बता दें पूरे डिटेल के साथ आपको पूरी जानकारी हम दे रहे हैं। अगर आपने भी अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया तो दोस्तों जल्द बनवा ले या फिर उसमें आप अपडेट करवा ले, क्योंकि UIDAI के अनुसार 30 सितंबर के बाद नया आधार कार्ड बनना बंद हो जाएगा। अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना तो एक बड़ा झटका आपको लग सकता है। सरकार 1 अक्टूबर से नए आधार कार्ड का काम बंद करने वाली है। अब सिर्फ 5 साल के बच्चों तक का ही आधार कार्ड बनेगा। इसके साथ ही जिनके आधार कार्ड में कोई गलती वगैरह है तो उसमें अपडेट फिलहाल वो करा सकते हैं, इसके लिए कोई काम बंद नहीं है। लेकिन अब 5 साल से ऊपर के लोगों का आधार कार्ड नहीं बनेगा, अब ये बन चुका है, अब इसके आगे ये सरकार काम बंद कर रही है। वहीं पीएम किसान योजना के अंतर्गत मिलने वाला 2000 रुपए आखिर कब मिलेगा, इसकी आपको हम पूरी डिटेल के साथ जानकारी बता दें दोस्तों। तो जी हां दोस्तों, 30 सितंबर को मिलेगा 2000 रुपए की 12वीं किस्त। 12 करोड़ किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार इस डेट को डालेगी बैंक के खाते में 2000 रुपए की किस्त। आपको बता दें 12वीं किस्त का इंतजार लगातार हो रहा था और वीडियो में भी काफी कमेंट आ रहे थे। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो 12वीं किस्त का पैसा है, लंबे समय से इसका इंतजार हो रहा था और ये आपको 30 सितंबर को मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सरकार 30 सितंबर 2022 को किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपए की किस्त जमा कराएगी। 30 सितंबर को आएगी 12वीं किस्त। आपको बता दें किसानों को नवरात्रि में ही 12वीं किस्त देने का वादा है, तो ऐसे में नवरात्र जो है वो 4 अक्टूबर तक रहेगी, इस बीच आपको पैसा मिल सकता है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में 30 सितंबर की डेट बताई जा रही है। तो आश्चर्य की बात है, दरअसल आप जान लीजिए, अयोध्या न्यूज से बड़ी खबर है। अयोध्या में मंदिर से गायब हो गए सीएम योगी आदित्यनाथ की मूर्ति, मंदिर बनवाने वाला भी लापता है। दरअसल दोस्तों अयोध्या में सरकारी भूमि पर सीएम योगी आदित्यनाथ के मंदिर निर्माण के प्रकरण में नया मोड़ आ गया है। मंदिर से सीएम योगी की मूर्ति ही गायब हो गई, मंदिर बनवाने वाले प्रभाकर मौर्य भी लापता हो गए हैं। रामनगरी अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बने जिस मंदिर में सुर्खियां बटोरी गई थी, उस मंदिर ने उनकी मूर्ति गायब होने की बात सामने आ गई है। मंदिर बनवाने वाले शख्स भी लापता हो गए हैं, उनका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं है कि मूर्ति कौन ले गए। वहीं पर गांव के लोगों का कहना है कि रविवार को कुछ लोग गाड़ी से आए और मूर्ति उठाकर ले गए, उन्होंने मंदिर के गेट पर ताला भी लगा दिया।
तो यूपी के अगर आप हैं तो खिलाड़ियों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि यूपी पुलिस में शामिल होने का सुनहरा मौका है। सीएम योगी के आदेश पर शुरू हुई है कोटे से भर्ती की प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने खेल कोटे से कांस्टेबल के 534 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें 22 खेलों में 335 पुरुष अभ्यर्थियों और 18 खेलों में 199 महिला अभ्यर्थियों की भर्ती होगी। बोर्ड जल्द ही भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। इसमें केवल खिलाड़ियों के खेल विषयक दक्षता और प्रमाण पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर ही चयन किया जाएगा। न्यूनतम अर्हता के रूप में निर्धारित खेलों में से किसी एक खेल में प्रतिभाग करने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 19 वर्ष से 22 वर्ष तक के बीच होनी चाहिए, साथ ही 12वीं या उससे अधिक की शैक्षिक योग्यता आवश्यक है। तो यूपी के मदरसों में छात्र छात्राओं के खाते में इस काम के लिए भेजेगी पैसे सरकार, यानी योगी सरकार पैसे भेजेगी। यूपी के मदरसों में अध्ययन छात्र छात्राओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से उनके या उनके पेरेंट्स के खाते में धनराशि भेजी जाएगी, जिससे छात्र छात्राएं सुविधा अनुसार किताबें खरीद सके। यह निर्देश राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने सोमवार को विभाग के कामकाज की समीक्षा बैठक में दिया है। बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि मदरसा शिक्षा को बेहतर बनाने और आधुनिकीकरण के लिए इस दिशा में यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। अच्छा, वहीं पर दोस्तों यूपी के युवाओं के लिए सीएम योगी ने कही है बड़ी बात। जानिए क्या बोला है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और आपको बता दें इसी बीच उन्होंने क्या कहा फ्री टैबलेट स्मार्टफोन के वितरण को लेकर। दरअसल गोरखपुर में जंगल कौड़िया के रसूलपुर चकिया में महंत अवैद्यनाथ महाराज स्टेडियम और महंत अवैद्यनाथ राजकीय महाविद्यालय में निर्मित प्रेक्षा गृह का लोकार्पण करने के दौरान सीएम योगी ने यूपी के युवाओं को लेकर बड़ी बात कही। नवनिर्मित स्टेडियम परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा भारत की दुनिया के मंच पर नई पहचान के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। युवाओं को स्मार्ट बनाने के लिए सरकार उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला रही है। इस सिलसिले में प्रदेश में 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के लिए कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी जो लोग कह रहे थे कि फ्री टैबलेट स्मार्टफोन वगैरह नहीं मिलेगा, सीएम योगी झूठ बोलते हैं। सीएम योगी ने कोई ऐसी बात नहीं कही और किसी को नहीं मिलेगा, जिन्हें मिलना था मिल गया, जिसे नहीं मिलना था नहीं मिलेगा, ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है। युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की टीम फ्री टैबलेट स्मार्टफोन के लिए टेंडर जारी कर चुकी है। जिन्हें भी टेंडर मिलेगा उन्हें 2 करोड़ टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण करना होगा, वो योगी सरकार के द्वारा होगा। 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के लिए जो कार्य हो रहा है वो युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। यानी सीएम योगी आदित्यनाथ आने वाले अक्टूबर नवंबर में फ्री टैबलेट स्मार्टफोन भी स्टूडेंट को देगी। तो मौलवियों के फतवों से नहीं डरती रूबी खान। गणेश जी की स्थापना के बाद घर पर दुर्गा की मूर्ति स्थापित की है, 9 दिन रहेंगी व्रत। जी आप जरा इसको समझें। दरअसल घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने के बाद चर्चाओं में आई रूबी आसिफ खान ने अब नवरात्रि का व्रत रखा है। मौलवियों के फतवों से नहीं डरती रूबी खान अपने घर पर ही माँ दुर्गा की मूर्ति भी स्थापित की है और नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान से पूजा अर्चना भी की। वह पूरे नवरात्रि यानी 9 दिनों तक व्रत रहेंगी। इस दौरान उन्होंने देश में अमन चैन की दुआ मांगी है और गणेश पूजा के दौरान उनके खिलाफ फतवा जारी करने वालों की सुदुद्धि की मां दुर्गा से कामना की है। तो वही नवरात्र दशहरा दिवाली पर योगी का अफसरों को आदेश है सख्ती सतर्कता और भरपूर बिजली का प्रबंध करें। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार से शुरू हो गई जो शारदीय नवरात्र है उसको लेकर त्योहारों के दौरान जन आस्था का पूरा सम्मान करने और अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है। वह रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल जोन रेंज पुलिस कमिश्नर और जिलों के वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को सुदृढ़ कानून व्यवस्था के संबंध में दिशा निर्देश दे रहे थे। और आपको बता दें उन्होंने कहा है कि शारदीय नवरात्रि, विजयदशमी, दशहरा, वाल्मीकि जयंती, 12वां, दीपावली, छठ जैसे महत्वपूर्ण पर्व त्योहारों में आगामी कुछ दिनों के भीतर होने वाले हैं। यह समय संवेदनशील है, इस दौरान 24 घंटे अलर्ट मोड रहना होगा। अगले एक माह त्योहार की उमंग से भरे हुए हैं, इस कारण से बाजारों में भीड़ भी होती है। ऐसे में पुलिस को फूड पेट्रोलिंग बढ़ानी होगी। अनावश्यक बिजली कटौती भी ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों के बीच अनावश्यक बिजली कटौती ना की जाए, तय रोस्टर के अनुसार गांवों और शहरों में बिजली आपूर्ति होनी चाहिए। तो दोस्तों वही बात कर ले यूपी वेदर अपडेट का, तो अभी भी 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये आपको बता दें सितंबर ऐसा महीना है जो अभी तक यूपी में भारी बारिश कर रहा है। आपको बता दें अभी भी आईएमडी का अलर्ट है अगले 7 दिनों तक, यानी अगले 7 दिनों में एक बार फिर से बारिश होगी। जेपी गुप्ता ने भी इसके बारे में एक बड़ा अपडेट दिया है, आने वाले समय में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। वैसे आप किस जिले के हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा, इसके साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको पूरी डिटेल पूरी नई जानकारी हमारे साथ मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।